हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको पाइथन में डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे बनाते हैं यह दिखाऊंगा। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी स्टॉप वॉच का यूज़ किया होगा, स्पेशली जब आप रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में आप काम करते हैं तब। आज मैं आपको एक जो मिनी प्रोजेक्ट है पाइथन में डिजिटल स्टॉप वॉच बनाना बता रहा हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हम PyQt5 लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टॉप वॉच एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिससे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, टाइम के इंटरवल को फाउंड करते हैं। जब हम इसे डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं, जस्ट लाइक हम एंड्रॉयड वगैरह में यूज़ करते हैं, तो आप इसे डिजिटल स्टॉप वॉच कह सकते हैं। तो आज हम डिजिटल स्टॉप वॉच का एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स डिजिटल स्टॉप वॉच पाइथन में बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको बेसिक पाइथन और पाइथन में जो उप्स के जो कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट होते हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। आपको पाइथन में जो कंट्रोल स्टेटमेंट वाला पार्ट है, स्ट्रिंग वाला पार्ट है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। पाइथन में मैजिक मेथड्स, डंडा मेथड्स कैसे वर्क करते हैं, आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए इसका। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्यूटी डिज़ाइनर एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले जो एप्लीकेशन हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कोडिंग करके हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास GUI नहीं होगा तो हमें कमांड मोड में अपने एप्लीकेशन रन कराने होंगे, कंसोल में रन कराना होगा। तो GUI जो है क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए, यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम होता है। तो क्यूटी डिज़ाइनर एक लाइब्रेरी है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं और अपनी पाइथन के जो लॉजिक हैं, हमारे जो पाइथन के लॉजिक हैं उसे उसके साथ इंक्लूड करते हैं, तो हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है। तो फ्रेंड्स डिजिटल स्टॉप वॉच बनाने के स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो बेसिकली पूरी कोडिंग है, बट ये कोडिंग का एक स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता दूँ। हमारा जो इंटरफेस होगा उसमें कुछ बटन्स होंगे जिससे हम यूज़र को एंट्री करने कहेंगे कि वो कितने सेकंड एंटर करना चाह रहा है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के बटन जस्ट लाइक स्टार्ट, पॉज, स्टॉप, इस तरह के बटन बनाएंगे। सबसे पहला जो बटन होगा हमारा वो यूज़र से सेकंड्स या जो मिनट्स हैं वो लेने के लिए होगा। जब वो सेकंड्स हम सेट कर देंगे तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से हमारा जो काउंटर है, हमारी जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो ऑन हो जाएगी। जो पॉज बटन है उस पर क्लिक करने से बटन पॉज हो जाएगा, हमारी काउंटिंग पॉज हो जाएगी। और फॉल्स करते हैं तो जो हमारी क्लॉक है वो इनिशियल पोजीशन पे जीरो पोजीशन में आ जाएगी। हमें एक लेबल बनाना होगा क्यूटी डिजाइनर में जो कि शो करेगा कि कितने सेकेंड्स हैं। तो टोटली हमारे जो प्रोग्राम है उसमें 3 पॉज बटन प्लस एक जो इनपुट लेने के बटन, टोटल 4 बटन और एक लेबल होगा। हर बटन को हम एक स्पेसिफिक मेथड से कनेक्ट करेंगे। बटन को ऑन या ऑफ रखने के लिए हम फ्लैग का यूज करेंगे। ये सभी चीजें मैं अभी आपको कोडिंग में बताऊंगा। हम यहाँ पर क्यू टाइमर मेथड का यूज करेंगे। क्यू टाइमर एक तरह का सिग्नल है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में बटन को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। और लास्ट में जो भी हमारा है काउंटिंग है उसे हम अपने सेकंड्स जो लेबल है उसे प्रिंट कराएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। बेसिकली आपके सिस्टम में जो PyQt5 और जो PyQt5 के जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आप पाइथन 2 या पाइथन 3 में काम कर रहे हैं तो ये डिफरेंट वे से इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। और इंस्टॉलेशन पर हमारे कुछ सेपरेट वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज
जो एप्लीकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्यू टाइमर क्लास है। क्यू टाइमर क्लास से आपको एक क्लिक इवेंट मिलता है जिससे आप बहुत ही ऑटोमेटिक वे में आप अपने बटन को क्लिक करा सकते हैं, कई बार क्लिक करा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्यूब टाइमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जाम्पल है। तो द क्यूब टाइमर क्लास इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर टाइमर्स एंड प्रोवाइड रिपीटेटिव एंड सिंगल शॉट टाइमर्स। तो मीनिंग ये है कि जिस तरह से आप बटन पर क्लिक करते हैं तो एक क्लिक इवेंट परफॉर्म होता है, बट हम बार बार बटन पर क्लिक नहीं करते, हमें ऑटोमेटिक क्लिक चाहिए रहता है, वो भी टाइम बेस पर। तो वो काम हमारा टाइमर क्लास करके हमें देती है। इसे मैं अभी जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो एप्लीकेशन है उसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज का हम यूज कर रहे हैं, क्यू इनपुट डायलॉग। तो बेसिकली होगा कि जब हम बटन पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आप अपनी नंबर को फीड करेंगे जो कि सेकंड्स में वो होगा और उसे हम यूज करेंगे। तो बेसिकली हम पॉपअप बॉक्स का या डायलॉग बॉक्स का यूज करने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं क्यू इनपुट डायलॉग, एक प्री कॉन्फ़िगर्ड डायलॉग बॉक्स होता है, तो रेडीमेड होता है, जस्ट आपको बटन पे क्लिक करना है वो ऑन आ जाएगा, वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे और आपकी वैल्यू होल्ड हो जाएगी। यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें हमने गेट टेक्स्ट है, बट ऐसे गेट इंट भी होते हैं, गेट डबल भी होता है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। आप हमारी वेबसाइट में आकर जो हमारे नोट्स जिस सेक्शन में होते हैं वहां पर और डिटेल में भी जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जब आपका GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि आप क्यूटी डिजाइनर से बनाएंगे, जब आपका वो रेडी हो जाए तो आप फाइल को सेव करेंगे। आपकी जो फाइल है .UI एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। आपको इस पर्टिकुलर कमांड से, अगर आप लिनक्स में या विंडोज में भी काम कर रहे हैं, PyUIC5-X, इस कमांड से आपको अपनी UI फाइल को .python फाइल में कन्वर्ट करना है। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह भी यूज की है तो आपको PyRCC कमांड भी यूज करनी होगी। कोडिंग के स्टेप्स, आपको क्या करना है क्यूटी डिजाइनर में, डिजाइन रेडी करना है। ये पिछली स्लाइड का लिखा हुआ है। तो क्यूटी डिजाइनर में हमें डिजाइन रेडी करना है और उस फाइल को जो .UI फाइल है उसे .python फाइल में कन्वर्ट करना है। जब आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाए तो इस तरह से आपको जो मेन विंडो है उसमें क्यूटी विजेट्स को कॉल करना है जो कि सुपर क्लास रहेगी। और आप कुछ वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल जिनको हम लोग कह सकते हैं, उन्हें आप इनिशियलाइज करेंगे सेल्फ डॉट काउंट और सेल्फ डॉट फ्लैग। तो इनके बारे में मैं अभी जब हम कोड बनाएंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। डिफरेंट टाइप के बटन्स हम बनाएंगे और उन बटन्स को हम कनेक्ट करेंगे। तो अभी तो बस आप देख लीजिए, इस तरह से हमारे कुछ मेथड्स रहेंगे जिनको हम यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, और अब हम कोडिंग करके देखते हैं, हम अपना एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी क्यूटी डिजाइनर इंस्टॉल है और मैंने इसे ओपन करके रखा हुआ है। जब आप क्यूटी डिजाइनर ओपन करेंगे विंडोज में या लिनक्स में तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट मेन विंडो सेलेक्ट है, मैं भी मेन विंडो पर क्लिक करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। आपको जो साइज चाहिए होगा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कोई इसका हार्ड एंड सॉफ्ट रूल तो नहीं है। साइज अगर आपको फिक्स करनी है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लेआउट्स दिए हुए हैं, कई सारे लेआउट हमने किए हुए हैं। तो अभी मैं वर्टिकल लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आप चाहे तो हेडिंग वगैरह दे सकते हैं, और वैसा कोई खास कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें लेबल चाहिए होगा।
तो लेबल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेबल, या ज़्यादा अच्छा होगा हम क्यू लाइन एडिट का यूज़ कर लेते हैं। देन आफ्टर हमें कुछ बटन्स चाहिए होंगे, सभी के सभी पुश बटन होंगे, तो जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाते जाना है। 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी आईडीज दे देते हैं, आईडीज अलॉट कर देते हैं। जो हमारा लाइन एडिट है इसकी आईडी हम रखते हैं P1, सिमिलरली बटन्स को हम नाम दे देते हैं, जैसे कि फर्स्ट बटन को B1, सेकंड को B2, थर्ड को B3, और लास्ट B4। चेक कर लेते हैं अगेन, B1, B2, B3, B4, राइट। और लेबल पर फिलहाल कुछ नहीं लिख रहे हम। अब यहाँ पर हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं बटन के ऊपर, जिससे यूज़र को पता रहे कि वो बटन हमारा किस लिए है। तो जो फर्स्ट बटन है वो हम गेट सेकंड्स कर देते हैं, आप मिनट्स के लिए भी बना सकते हैं। और फर्स्ट है स्टार्ट, देन स्टॉप और पॉज। ठीक है, अब अगर आपको और भी डिज़ाइनिंग करनी है कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बताना है। बाकी अगर हमारे पास काफ़ी टाइम हो तो हम बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एनीवे, अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक फोल्डर है। इस फोल्डर में मैं हमारी इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो ओके, हाँ, फाइल सेव एस, डेस्कटॉप, डेटा साइंस ट्रेनिंग। ओके, आपको इस पर्टिकुलर फाइल को कोई नाम देना चाहिए, तो इस फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट। अब अपनी चॉइस से कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सेव, तो लीजिए हमारा डिज़ाइनिंग वाला काम फिनिश हुआ। अब क्यूटी डिज़ाइनर को हम क्लोज करते हैं, हम अपने फोल्डर को ओपन करते हैं जहां हमने फाइल सेव की है। आप देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइल बनकर आई है, first.ui। अब हमारा काम है कि इस first.ui फाइल को .python फाइल में हमें कन्वर्ट करना है। तो इजी है, अगर आप Ubuntu या लिनक्स में हैं तो जस्ट आपको टर्मिनल ओपन करना है। हमने राइट क्लिक से टर्मिनल ओपन किया, कमांड जो आपको याद होनी चाहिए, py uic5
minus x input file minus o output file, बस इतना, और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है एक फाइल जनरेट हो गई है फर्स्ट डॉट पी वाई। अब टर्मिनल को आप ऑफ कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल है इसे आप किसी टेक्स्ट एडिटर किसी भी पाइथन आईडीई में ओपन कर सकते हैं ताकि हम फर्दर कोडिंग वर्क कर सकें और अपने कोड को एडिट कर सकें। तो इस कोड को मैं स्पाइडर आईडी में ओपन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स स्पाइडर आईडी में ओपन हो रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारा इतना कोड जो जनरेट होकर आया है ओपन हो चुका है। आप चाहें तो सिर्फ इतने कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराकर चेक कर सकते हैं कि सब ठीक ठाक है या नहीं है। तो मैं सिर्फ इतने कोड को जो जनरेटेड कोड है उसे मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो ओके, तो ये एग्जीक्यूट हुआ है बट अभी आपके कोई भी बटन यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, जस्ट ये देखने के लिए है। ठीक है, तो हमारा इतना कोड वर्क कर रहा है। अब हम इसमें आगे कुछ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ मेथड्स चाहिए, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए हैं। तो मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स आपने मॉड्यूल्स पढ़े हुए हैं, तो कोई इश्यू नहीं जाना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स कोडिंग का वर्क तो मैं कर रहा हूं, आप बस ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पर हमें टाइमर का यूज करना है, तो इसको इंपोर्ट करना होगा और यहां पर कुछ चेंजेस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर या इनिट मेथड, यहां पे आप सुपर मेथड का यूज करेंगे पैरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। तो ये सभी हमने मतलब ओप्स में देखा हुआ है, दैट्स व्हाई अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल बनाने हैं जिनका हमें आगे यूज होगा। सेल्फ डॉट फ्लैग और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम सेट करते हैं फाल्स। तो ये जो वेरिएबल है हमारे ये एंटायर प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं। ओके तो
ओके फ्रेंड्स, अब फर्दर कोड हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एक टाइमर का जो इंस्टेंस है वो बनाते हैं। ठीक है, अब इसे हम सिग्नल देने के लिए यहाँ पर कोई एक मेथड का नाम होगा जो हम अभी आगे चल के बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं जस्ट एक मेथड का नाम लिख रहा हूँ, बट अभी वो मेथड हमने बनाया नहीं है। आपका जो टाइमर है कितने टाइम इंटरवल में सिग्नल आपको आपके बटन को सेंड कर रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। तो ये जो 1000 है बेसिकली मिली सेकेंड में होता है। 1000 मिली सेकेंड का मीनिंग होता है 1 सेकेंड, तो इतना हमने लिखा। अभी हम आगे चलते हैं। अब हमें ओके क्योंकि हमने 4 बटन बनाए हैं तो सभी 4 बटन्स जो पुश बटन है उनको उनके स्पेसिफिक मेथड से भी कनेक्ट करना होगा, तो पहले हम वो काम कर लेते हैं। जो फर्स्ट बटन है वो हमारा वैल्यू लेने का काम करेगा, तो इसके लिए हम मेथड बनाएंगे टेक इनपुट। आप कोई दूसरा आइडेंटिफायर भी असाइन कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारे जो प्रोग्राम हैं उसमें टोटल 5 मेथड हो जाएंगे। 5 मेथड कैसे? एक तो सो टाइम, टेक इनपुट, स्टार्ट, स्टॉप और पॉज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सो टाइम मेथड से उसे डिफाइन करते हैं। ओके, जो हमारा सो टाइम मेथड है जो बेसिकली सिग्नल भेजेगा वो कब रन होना चाहिए? जब हमारे जो फ्लैग है फ्लैग ट्रू रहेगा। तो और जब फ्लैग ट्रू है तो ये क्या परफॉर्म कराएगा, ये मैं अभी लॉजिक लिख रहा हूँ, देन आफ्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इसे आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा।
माइनस वन प्लस वन आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा सो टाइम मेथड है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो है टेक इनपुट। टेक इनपुट मेथड में फ्रेंड्स क्या होगा कि हम अपने जो पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे और वो जो है हमारी लेबल पर सेकेंड्स को प्रिंट करा देगा, जो कि हमारा इनपुट लेने का काम ही करेगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको स्लाइड्स में डिस्क्राइब किया हुआ था, आप एक बार फिर से देख लेंगे। तो इस तरह से हमें मेथड बनाना है। आप एक बार देख लीजिए, तो टाइप करते हैं फ्रेंड्स, ये जो कोड हम लिख रहे हैं इस कोड से एक डायलॉग बॉक्स जनरेट होगा, डायलॉग पॉपअप मेन्यू, और इस डायलॉग बॉक्स से अगर आप गेट इंट लिखते हैं तो कोई इंटीजर, अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो कोई टेक्स्ट, डबल आप वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर आप बॉक्स का नाम दे सकते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, तो बॉक्स का नाम हम देते हैं इनपुट डायलॉग या इनपुट बॉक्स, और मैसेज क्या प्रिंट होके आना चाहिए, एंटर सेकंड्स। तो आप एंटर सेकंड्स या जो भी आप चाहें, अल्टीमेटली होगा ये कि जब ये मेथड कॉल होगा तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, उस पॉपअप बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में आपको सेकंड एंटर करना है, ओके और कैंसिल के दो बटन रहेंगे। अगर आप ओके पर प्रेस करते हैं तो जो आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू सेल्फ डॉट काउंट नाम के वेरिएबल में आ जाएगी और आपका जो ओके वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर आपने कैंसिल किया तो आपका बॉक्स बंद हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये इसकी वर्किंग है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा सेल्फ काउंट अगर एग्जीक्यूट होता है तो सेल्फ डॉट काउंट ट्रू हो जाएगा और ओके ट्रू हो जाएगा, देन आफ्टर हम अपना आगे काम करते हैं। अब हम अपनी कंडीशन जो है इफ ओके, दैट मीन्स अगर ओके ट्रू है, तो ओके ट्रू है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका जो काउंट है वो लेबल पर सेट हो जाना चाहिए। तो हम इसे
आपका ओके ट्रू है तो ये सेट हो जाएगा और फिलहाल तो और कुछ नहीं, बाकी के मेथड्स भी हैं जिनको भी हम ओके ठीक है, हम बाकी जो अभी हमारा जो मेथड है सो टाइम है टेक इनपुट है, अब हम स्टार्ट स्टॉप और पॉज इन मेथड्स को भी बना लेते हैं ताकि हमें एक वर्किंग का ब्रीफ आइडिया हो जाए। स्टार्ट तो इस मेथड में तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो फ्लैग है ओके वन मोर थिंग यहां पे सेल्फ यूज कर लीजिए बिकॉज ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना होता है हमें। तो यहां पर आपका अगर स्टार्ट मेथड कॉल होता है तो सेल्फ फ्लैग है उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अगर आपका स्टॉप मेथड कॉल होता है तो जो फ्लैग है उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, साथ में जो आपका काउंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और लास्ट में पॉज, अगर पॉज मेथड कॉल होगा तो फ्लैग फॉल्स होना चाहिए, आप फ्लैग की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। और काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। फ्रेंड्स पहले हम सिर्फ इतने सेक्शन को एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि इतना जो बना है सही है कि नहीं है, और कोई मिस्टेक है तो हमें यही पता चल जाए ताकि हम उसे मॉडिफाइड कर सकें। ओके फ्रेंड्स मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। सिंटैक्स एरर ओके लाइन नंबर 16 चेक करते हैं क्या एरर है। ओके 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 तो फ्रेंड्स आप जैसा कि गैस कर पा रहे हैं कि इसमें क्या एरर है, डेफिनेट ओके फ्रेंड्स वैसे कोई एरर दिख तो नहीं रही है मुझे, डेफ इनिट सेल्फ सुपर इनिट ओके लाइन नंबर 16 दैट मीन्स लाइन नंबर ओके आपको शायद मिस्टेक पकड़ में ना आई हो, मुझे आ गई डॉट। अगेन इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके शो टाइम सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट टाइमर डॉट टाइम आउट डॉट कनेक्ट
सेल्फ डॉट शो टाइम मेथड तो बिल्कुल हमने सही लिखा हुआ है, ओके फ्रेंड्स चेक करते हैं कि क्या मिस्टेक है। फ्रेंड्स मिस्टेक ये है कि हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना था इसमें कि ठीक है, बाकी सबके साथ भी फ्रेंड्स यही करना है हमें। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इंडेंटेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है अगेन एग्जीक्यूट कराते हैं इसे। B5 तो सही में हमने कुछ दिया नहीं, ओके सॉरी B4 था ये। अगेन या इट्स स्लाइटली वर्किंग, ओके ओके नाइस। स्टार्ट मेथड भी वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ वर्क कर रहा है बट हमें और अच्छे से चाहिए। यहां से देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि एक लेबल है, क्यू लाइन एडिट है। अगर मैं गेट सेकंड्स को क्लिक कर रहा हूं तो जो गेट सेकंड बेसिकली क्या है, आपका जो B1 बटन है वो B1 बटन जो हमने बनाया था वो है, और इस B1 बटन का जो टाइटल है गेट सेकंड्स, इस B1 बटन को हमने टेक इनपुट मेथड से कनेक्ट किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं B1 क्लिक्ड कनेक्ट टेक इनपुट, तो टेक इनपुट मेथड लिया है। इस टेक इनपुट मेथड में बेसिकली हमने एक डायलॉग बॉक्स बनाया है जो कि यूजर से इंटीजर फॉर्म में वैल्यू ले रहा है। जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वो सेल्फ डॉट काउंट में हम सेट करा रहे हैं। इसके अलावा एक ओके को भी एक ट्रू या फॉल्स आ रहा है। तो कहने का मतलब आपके पास दो वेरिएबल हैं और दोनों में वैल्यू सेट हो रही है। ओके में आइदर ट्रू और फॉल्स है, बुलियन वैल्यू जो आप कह सकते हैं, और काउंट में कोई भी इंटीजर वैल्यू है। तो ये B1 मेथड का है। तो जब हम गेट सेकंड्स पे क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी लाइन नंबर 77 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और आप यहां पर आप देख सकते हैं जो आपने लिखा था यहां पर इनपुट बॉक्स जो आपने हेडिंग ली थी या एंटर सेकंड्स लिखे थे वो आपके यहां पर आ रहे हैं। जब मैं यहां पर कोई वैल्यू दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेट हो जाएंगे, सेल्फ डॉट काउंट और ओके दोनों सेट हो जाएगा। तो मैं ओके करता हूं और आप देखेंगे यहां पर वैल्यू सेट हो गई है। बेसिकली यहां पर आप लाइन नंबर 79 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट गेट सेकंड्स प्रॉपर वर्क कर रहा है। जब मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो बेसिकली आपका ये जो मेथड स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा। इस स्टार्ट मेथड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्लैग है कि फ्लैग ट्रू। ट्रू का मतलब आपका जो टाइमर मेथड वर्क कर रहा है, और अगर फॉल्स लिखते हैं तो आपका टाइमर सिग्नल नहीं भेज रहा है। तो स्टार्ट में हम क्लिक करते हैं तो आप देखें एक एक सेकेंड के इंटरवल में हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। अच्छा अगर मैं कुछ ना करूं तो ये आप देखेंगे कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, अगर यहां पे मैं 100 कर दूं तो जो सिग्नल है वो मिली सेकंड में आ जाएंगे।
एक बार मैं आपको एग्जीक्यूट कराता हूँ, गेट सेकेंड्स, 12 स्टार्ट। आप देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, ये माइक्रो सेकेंड है। अगर यहाँ पे मैं 2000 कर दूं तो हर दो दो सेकेंड में वैल्यू आपकी, सॉरी काउंटिंग एक हो रही है लेकिन इंटरवल 2 सेकेंड का है। तो बेसिकली इस जगह से आप इंटरवल को कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब मुझे जो स्टॉप वॉच चाहिए है वो मैं चाहता हूँ 100 मिली सेकेंड की एक्यूरेसी की रहे, मतलब 1 सेकेंड का 10th पार्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। तो 100 का मतलब है 100 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड का 10th पार्ट। और कुछ लॉजिक्स हम मॉडिफाइड कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर जो काउंट है हमारा उसकी वैल्यू 0 या लेस और इक्वल देन 0 हो जाए, अगर होता है तो किसी भी केस में अगर इसकी वैल्यू लेस और इक्वल देन 0 हो जा रही है तो आपका जो फ्लैग है वो फॉल्स हो जाए। फ्रेंड्स, पाइथन में राउंड ब्रैकेट जो मैंने लगा दिए हैं वो कंपलसरी नहीं है, बट ऐसा है कि कई दूसरी लैंग्वेज में रहती हैं तो एक हैबिचुअल है, आप लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, उससे आपके प्रोग्राम पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फॉल्स। तो अगर काउंट की वैल्यू लेस और इक्वल देन 0 है, किसी भी केस में 0 हो जा रही है या लेस देन 0 है, तो फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। फ्लैग फॉल्स होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो टाइमर है वो ऑफ हो जाएगा। टाइमर ऑफ नहीं होगा, टाइमर तो खैर रन होता रहेगा, बट जो आपकी काउंट की वैल्यू जो -1 हो रही है वो नहीं होंगी फर्दर, मतलब आपका जो काउंटर है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, 0 पर स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू किसी भी केस में नहीं लेगा अब। और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ काउंट में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और कुछ तो छूट नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइड चेंज, या ओके फ्रेंड्स, मैंने कोडिंग में कुछ चेंज किए हैं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। गेट सेकंड्स, सपोज हमने 15 सेकंड्स लिए, ओके स्टार्ट, ओके पॉज स्टॉप, अगेन गेट सेकंड स्टार्ट और इस तरह से आपकी ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वर्क कर रही है, या 0 पर रुक गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम में अगर कोई भी डाउट है इस छोटे से एप्लीकेशन में, वैसे है तो ये बहुत छोटा सा एप्लीकेशन, बट इसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑफलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और कोई डाउट आए तो मुझे बताइए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगा। और आप हमारे ऑफिस की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, टेक्नोनेट चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू, बाय।